हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिखाते हैं गोदौलिया के खूबसूरत नज़ारे। और कल है 31 दिसंबर और आज की रौनक दिखाते हैं बनारस में कितना रौनक है। और आप सब पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पूरे होटल तो रूम जो है फुल हो चुके हैं एकदम, और चौचक भीड़ है बनारस में एकदम, बता दें आपको। और आज आप देखिए इस पूरी वीडियो को, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बैक कैमरा ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको बनारस का गदौलिया का एकदम चौचक वाला नज़ारा। तो अभी हम लोग हैं गदौलिया चौराहे पर पहुंचने वाले, और आप देख सकते हैं इस पर चढ़ के आपको रौनक दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है बनारस में। भीड़ आ चुकी है भाई 31 दिसंबर मनाने के लिए। और ये सामने काशी चाट भंडार दिख रहा होगा आपको, हर रोज़ की तरह थोड़ा ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अभी ये टाइम जो हो रहा है वो करीब 9:30 बजने वाला है, और बता रहे चौचक भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई। और आज चौचक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा बनारसी लैंग्वेज में बात करने का मन कर रहा है आप लोगों से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा नज़ारा, भीड़ दिख रहा होगा और मस्त नज़ारा दिख रहा होगा। लाइटिंग भाई मोदी जी का कमाल। और 22 तारीख को आप पूरे भारतवासी अयोध्या के लिए इनवाइट, वो आप जान ही रहे हैं। 22 जनवरी हमारे प्रभु श्री राम का जो है वहाँ पे पहली बार फिर से हमारे लिए पुनर्जन्म होगा, और एक बार हमारे हाथ में वो सारा जो है होगा मंदिर, जो लोगों के लिए समर्पित 22 जनवरी को किया जाएगा एकदम संपूर्ण तरीके से। और यहाँ की भीड़ देखिए आप लोग, तो चलिए ये देख रहे हैं आप सामने, ये मल्टीनेशनल पार्किंग दो पहिया वाहन की। और चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है, और आप सबको भी दिखाते हैं। देखिए रात के 9:30 बजे इतनी भीड़ कि आप देखकर समझ सकते, जैसा लग रहा है 7 बज रहा है, लेकिन नहीं भाई 9:30 बज रहे हैं रात के। और आप भीड़ देखिए, इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग जो है बनारस आए हुए हैं 31 मनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़, और कैमरा ऊपर कर लेते हैं। 200 में 4 भाई साहब, ये जितने होटल देख रहे हैं सब फुल हो चुके हैं सारे, इतने खूबसूरत खूबसूरत होटल। काफ़ी बढ़िया व्यू मिलने वाला है यहाँ से लोगों को, और कल के कुछ अलग नज़ारे देखिए। केवल चार कितने का नहीं माता। और हम लोग बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको घाट तक का नज़ारा। आज ठंड भी काफ़ी है, अब ठंडी बढ़ चुकी क्रिसमस के बाद। नज़ारा देखो भाई लोग, आप लोग बस आज कुछ ज़्यादा रौनक है 9:30 बजे भी, क्योंकि पब्लिक बहुत आई हुई है और रूम सारे फुल। बनारस में हर साल 21 दिसंबर के लिए काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है।
तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं लक्ष्मी साड़ी घर, सामने देख सकते हैं काफ़ी बड़ी शोरूम है साड़ी की। इतना बड़ा शोरूम, उतना मोटा पैसा। और आज के समय में नहीं कमाओगे पैसा तो लोग पूछेंगे तुमसे कैसा, तो पैसा कमाना बहुत जरूरी भाई। और हम लोग पहुँचने वाले हैं दशाश्वमेध घाट के पास, और ये साहू होटल देख सकते हैं आप लोग। यहाँ बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, साड़ी की शॉप खासकर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और भीड़ भी देख रहे हैं आप लोग, 9:30 इतनी भीड़ नहीं होती, 7 बजे तक बहुत खाली रहता है यहाँ, लेकिन अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये घाट पे चलते हैं, वहाँ की रौनक देखते हैं कितनी भीड़ है, वहीं पर चल के वीडियो को एंड करेंगे। और कल के लिए आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आप सभी का मेरी ओर से स्वागत। और कल भी वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की। और ये अभी हम लोग गेट नंबर 2 के पास पहुंच चुके हैं, कृष्णान मंदिर, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा यह गेट नंबर 2। और इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं घाट की तरफ, बहुत दिखाते हैं घाट का नज़ारा। ये है घाट का मेन मार्ग, लोग ठंडी में आइसक्रीम का मजा, ठंडी में आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और ही है। तो देखिए यहाँ कुछ हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। और प्रोग्राम हो रहा है, शायद किस चीज़ का प्रोग्राम है वो देखते हैं। और कुछ लोग डांस कर रहे हैं, आइए देखते हैं कैसा डांस हो रहा है यहाँ। आप देख सकते कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। Yeah.
नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए नजारों साथ, तब तक हर हर महादेव।